प्रिय किसान भाइयों, इसके पहले मैं एक वीडियो परवल पर बनाया हूँ। उस पर वीडियो को देखने के बाद मेरे पास समस्तीपुर के कई क्षेत्रों से और बेगूसराय से टेलीफोन पर मेरे कमेंट में लोग परवल की खेती के बारे में, परवल के रोग के रोकथाम के बारे में पुनः वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया है। उसको देखते हुए मैं पुनः ये आप लोगों की सेवा में ये वीडियो बना रहा हूँ। परवल सब्जियों के खेती में मुख्य स्थान रखता है। परवल के तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ये इसका बड़ा ही महत्व है परवल के सब्जी का। ये तमाम तरह के बीमारियों के लिए पथ्य का काम करता है। बीमारी के बाद परवल की सब्जी खिलाई जाती है। परवल के बहुत सारे फायदे हैं, उसके लिए तो यदि वीडियो बनाए तो अलग से एक बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। आज मैं उसके लाभ के बारे में बात न करके, चूँकि आजकल बीमारी बहुत लग रही है कई क्षेत्रों में, उसका ध्यान रखते हुए मैं आपको परवल की बीमारी के रोकथाम के बारे में बात करूँगा। किसान भाइयों, परवल पर मुख्यतया दो बीमारी लगती रही है। एक पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं चूर्णिलास्ता रोग, और एक डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं मृदरोमिलास्ता रोग। ये दो बीमारियां अक्सर होती रही हैं, लेकिन आजकल एक नई बीमारी आ गई है। हम अब इस बीमारी में तो समझिए कई सिम्टम एक साथ दिखाई पड़ता है। इसमें उकठा भी दिखाई पड़ रहा है, झुलसा भी दिखाई पड़ रहा है, पाद गलन दिखाई पड़ रहा है, सड़न दिखाई पड़ रहा है, कई तरह के सिम्टम इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये बीमारी जो है नई बीमारी है। सबसे पहले ये 1976 में जापान में देखी गई, और जापान के बाद ये पूर्वोत्तर भारत में देखी गई, आसाम में देखी गई, वेस्ट बंगाल में ये बीमारी हो रही है, उड़ीसा में हो रही है, और अपने देश के पूर्वी समुद्री तट के क्षेत्रों में भी बीमारी हो रही है। उसके साथ ही ये बीमारी फैलती हुई हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में समस्तीपुर में खूब लग रही है। और मैं अभी बताया, समस्तीपुर के कई लोगों का कहना है कि आप इसके बारे में फिर से एक और फ्रेश वीडियो बताएं। तो उसको देखते हुए मैं पुनः ये फ्रेश वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे आप शुरू से अंत तक देखें, और हमारा ख्याल है कि मेरे बताए गए तरीके से यदि आप रोकथाम करेंगे तो इस बीमारी से आपको राहत हो जाएगी। इस बीमारी का प्रभाव कई प्रकार से पौधों पर दिखाई पड़ता है। रोपाई के तुरंत बाद पौधे के तने पर जो जमीन पर लगा रहता है सड़न शुरू हो जाता है, और पौधा ऊपर हरा रहता है और आधार पर गलन होने की वजह से ये गिर जाता है। पौधे के तने पर इस बीमारी के कारण सिकुड़न उत्पन्न हो जाता है और इन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तने से गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है जिसको गमोसिस कहते हैं। पत्तियों पर धब्बे बनते हैं, ये इतने तेज़ी से फैलते हैं कि पौधा झुलसा हुआ नज़र आने लगता है। फलों पर सबसे पहले पनेला धब्बा बनता है, यह अधिकांशतः फल के सिरे से शुरू होता है जिधर फूल लगा हुआ होता है फल पर। फल में मृदुगलन हो जाता है, ऐसे फलों से फंगस के कवक सूत्र बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे उन पर सफ़ेद रुई लपेटी गई हो। किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि ये फंगस फफूंद जनित है, और इसका रोग कारक फाइटोप्थोरा मेलोनिस है। आप
परवल की खेती दो प्रकार से करते हैं, समतल भूमि पर और मचान बनाकर। आपसे आग्रह है कि मचान बनाकर ही परवल की खेती करें, जिससे बीमारी कम लगेगी और जो भी आप दवा छिड़केंगे पत्तियों की निचली सतह पर भी पड़ेगा, जो ज़्यादा लाभ करेगा। अब मैं आपको इस बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय ये है कि ब्लाइटॉक्स 50 नामक दवा, ये बहुत सामान्य दवा है, आप इससे बहुत भली भांति परिचित होंगे। इसका 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर ज़रूरत के मुताबिक घोल की मात्रा तैयार कर लें और पौधों की जड़ों में सिंचाई करें इससे, और इसके ऊपर छिड़काव करें। दूसरी दवा किसान भाइयों, ये भी बड़ा सामान्य है, आप लोग जानते होंगे, डाइथेनियम 45 नामक दवा 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोलकर उपरोक्त विधि से ही पौधों पर डालें और जड़ों की सिंचाई करें। किसान भाई, एक बहुत नई दवा आई है जिसका प्रयोग करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं, जो एक समुद्री घास एस्कोफाइलम नोडोसम का अर्क है। इसे मारमेरीन नाम से जाना जाता है और ये बाज़ार में कई व्यापारिक नामों से भी उपलब्ध है। जैसे एक दवा है जो इसी का व्यापारिक नाम है, एमस्ट्रॉन्ग नामक दवा है, ये बाज़ार में उपलब्ध है। यदि आपको उपलब्ध न हो तो आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऊपर जो दवाएं मैं बताया हूँ उनके अलावा एक और दवा है मेटालेक्सिल, इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर आवश्यकता अनुसार घोल तैयार करें, फिर मारमेरीन का छिड़काव करें। इन दोनों दवाओं के अदल बदल के छिड़काव करने से आपकी फसल काफ़ी अच्छी होती होगी। इसके लिए आप 10 दिन का अंतराल रखें, पहले आप मेटालेक्सिल का छिड़काव करें, उसके बाद इस मारमेरीन जो एम्स स्ट्रॉन्ग नामक दवा है उसका छिड़काव करें, फिर 10 दिन के बाद आप मेटालेक्सिल का छिड़काव करें, उसके बाद पुनः 10 दिन के बाद मारमेरीन का छिड़काव करें, यानी एम्स्ट्रॉन्ग का छिड़काव करें। इस तरह से छिड़काव करने पर ये बहुत अच्छा लाभ करेगा। किसान भाइयों, एक और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दवा आप प्रतिष्ठित कंपनी का लें, प्रतिष्ठित दुकान से लें, और एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो एक्सपायरी डेट का ना हो, यानी उसका वो हायल ना हो। आप, हम हिंदी भाषा में बता रहे हैं, हायल दवा आप ना खरीदें तो ज़रूर आपको बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी, इसका ध्यान रखें। किसान भाइयों, मारमेरीन में ह्यूमिक एसिड और फुलविक एसिड के पोटेशियम साल्ट होते हैं, जो पौधे के वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होते हैं, फूल लाने में भी सहायक होते हैं। तो ये जो मारमेरीन है, इसके छिड़कने से आपके पौधों में वृद्धि होगी, यह ग्रोथ रेगुलेटर भी है। इसका छिड़काव जरूर करें और अच्छी उपज प्राप्त करें। इस दवा के प्रयोग से जमीन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, ये सूक्ष्म जीव पौधे को लाभ पहुंचाते हैं और भूमि में जो हानिकारक जीव हैं, जो आपके पौधों में को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, उनके वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और करवाएं, जिससे कि और
मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो भविष्य में आपके सामने प्रस्तुत करूं और आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।